हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो डॉट मूवी। और आज मैं बात करने वाला हूं थिएटर में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में, जिसका नाम है चेहरे। सो बिना टाइम वेस्ट करे और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का शो। हाँ, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चेहरे मूवी एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट करा है रमी जाफरी ने। मूवी की शूटिंग ख़त्म होकर 17 जुलाई 2020 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए रेडी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 27 अगस्त 2021 को थिएटर में रिलीज़ करा गया। चेहरे मूवी एडेप्टेड है 1956 में आई एक जर्मन नॉवल पर, जिसका नाम है डेंजरस गेम। अब देखने की बात यह है कि चेहरे मूवी इंडियन ऑडियंस को कितनी पसंद आती है। स्टोरी जहां चार ऐसे लोग हैं जो कि रिटायर्ड हैं, और चार लोग ऐसे गेम स्टार्ट करते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है, और एंड आते आते एक डिटली गेम में तब्दील हो जाता है। और इस गेम में इमरान हाशमी कैसे फंसते हैं और फिर ये कैसे बाहर निकलेंगे, ये जानने के लिए आपको मूवी शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी। चेहरे मूवी एक डिसेंट सस्पेंस ड्रामा मूवी है। मूवी की जो कहानी है, आपको ज़रा सा भी पुरानापन नहीं लगेगा कहानी में। मूवी की स्टोरी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करा गया है। जो एक सस्पेंस मिस्टीरियस मूवी में एलिमेंट होने चाहिए, वो सब एलिमेंट इस मूवी में देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से इस कहानी का प्रेजेंटेशन है, काफ़ी हद तक अच्छा है। मूवी में कई सारे एलिमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके कारण आपको फील होगा कि इसमें थोड़ा बहुत हॉलीवुड मूवी का टचअप देने की कोशिश की गई है। एक्टिंग की बात करें तो सभी छोटे बड़े एक्टर ने मूवी में कमाल की एक्टिंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमिताभ बच्चन की डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंटिंग, टाइमिंग, सभी की सभी कमाल की है। मूवी ख़त्म होने के बाद इनके कैरेक्टर के बारे में आप लोग ज़रूर बात करेंगे, जो आपके दिलो दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ जाएंगे। इमरान हाशमी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके एक्सप्रेशन आपको बहुत ही ग्रेट लगेंगे। अनु कपूर के कुछ डायलॉग आपको इतने कमाल के लगेंगे कि पूछो मत। और हाँ, आपको इस मूवी में शक्ति कपूर के बेटे यानी कि सिद्धार्थ कपूर भी देखने को मिलेंगे, जो इस मूवी में गूंगे बने हैं। इसके बावजूद भी वह अपने फेस एक्सप्रेशन से सबको हिला देते हैं। मूवी में आपको दो फीमेल एक्ट्रेस देखने को भी मिलेंगी। पहले हैं क्रिस्टल डिसूजा और दूसरी हैं रिया चक्रवर्ती। दोनों का स्क्रीन प्रेजेंटेशन टाइम ठीक था, और एक्टिंग की बात करें तो दोनों की एक्टिंग भी ठीक ठाक थी। और बात करें निगेटिव पॉइंट की, एक ऐसी मूवी जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। मूवी का स्क्रीन प्ले स्लो है, जिससे आपको ज़रा सा भी पसंद नहीं आने वाला है। मूवी का असली विलेन है उसका सस्पेंस, लेकिन इस मूवी में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। मूवी का क्लाइमैक्स तो अच्छा है, लेकिन उसको भी ज़्यादा लंबा खींचा गया है। देखें या नहीं, अगर आप अमिताभ बच्चन या फिर इमरान हाशमी के तगड़े वाले फैंस हैं तो ये मूवी आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी में एक पॉइंट ऐसा है जो कि प्लस पॉइंट, मूवी एडल्ट नहीं है और इसमें कोई भी गाली गलौज नहीं दिखाया गया है, तो ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। Thank you for watching. Have a good day.